गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है। नीतीश कुमार जी 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। पिछले 1.5 साल से इंडी अलायंस वाले बैठक कर रहे हैं लेकिन इसका कुछ नतीजा निकल कर सामने नहीं आता है। जिन्होंने इंडिया अलायंस को बनाया वो नीतीश कुमार हमारे साथ है, यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने यह प्रतिक्रिया इंडिया अलायंस की बैठक पे दिया है। आज इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक होने वाली है, क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी पहले इस वीडियो में सुनिए। सर आज गृह मंत्री बैठक है, सर इंडिया अलायंस की हो रहा है, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, बैठक हो रही है, करो ना। गठबंधन के लोग तो पिछले 1.5 साल से बैठक कर रहे हैं, 2 साल से, और जिन्होंने महागठबंधन इंडी गठबंधन बनाया था वही अब हमारे साथ है नीतीश कुमार जी, इसलिए इस गठबंधन का क्या कोई स्वरूप ही नहीं है। 2019 में भी हारे थे, 2024 भी इंडी गठबंधन। अमित शाह जी बिहार की जनता से आग्रह करने आ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी को वोट करें और देश को श्रेष्ठ बनाए। इंडिया अलायंस की होने वाली बैठक पर सम्राट चौधरी ने अपनी यह प्रतिक्रिया दी है जिनमें उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को बनाने वाले नीतीश कुमार जो हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसे में इंडिया अलायंस का अब कोई महत्व नहीं बचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता जो है वो मोदी पे भरोसा जताएगी। इसके साथ ही मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आज अमित शाह का रैली होने वाला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत की अपील करेंगे लोगों से, इसके साथ ही देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो यह प्रतिक्रिया जो है वो सम्राट चौधरी ने इंडिया अलायंस पे दिया है। जिस तरीके से बिहार में बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आए दिन एक नया बयान आता है जिसके वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है सम्राट चौधरी के बयान को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।